AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ सालों पहले AI को लेके एक ही सवाल होता था कि क्या आखिर ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर के पास उसका खुद का दिमाग हो और वो खुद से सोचकर खुद डिसीजन ले सके। लेकिन आज जब हम AI से घिरे हुए हैं, हम डेली AI का यूज कर रहे हैं, तब हमारे पास कई सारे सवाल होते हैं कि क्या AI हमें नुकसान पहुंचा सकता है और क्या AI हम इंसानों को गुलाम बनाकर हम पे कब्जा कर सकता है। आज के समय में इंसानों से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, पर क्या आने वाले समय में इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक AI हो सकते हैं? वैसे तो AI को इंसानों ने ही अपने काम को आसान करने के लिए बनाया है, और हमेशा से जब इंसान अपने फायदे के लिए कोई चीज बनाता है तो वो खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। फिर चाहे वो प्लास्टिक हो या न्यूक्लियर वेपन, इंडस्ट्रीज हो या फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करना, इन सभी चीजों में इंसानों ने फ्यूचर को ना सोचते हुए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। और आज के समय में हमें पता ही है इन सब का हमारे एनवायरनमेंट पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारण है। और इन सब से इंसानों ने ना सिर्फ अपने अस्तित्व को खतरे में डाला है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु को खतरे में डाल दिया है। तो क्या इसी तरह AI भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? वैसे तो ये AI की शुरुआत ही है, और अभी से हमने AI को लेकर कई सारे अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं, और उन सब घटनाओं को देखने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या AI सच में खतरनाक हो सकता है। ये बात है 2017 की, जब फेसबुक ने AI बोट बनाया जो कि इंसानों से बिल्कुल इंसानों के तरीके ही बात कर सके, और एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो AI बोट को आमने सामने कर दिया जिससे कि वो आपस में बात कर सकें और देख सकें कि एक AI रोबोट दूसरे AI से कैसे बात करता है। शुरुआत में सब कुछ सही था, दोनों AI बोट आपस में बात करते हैं, और ये फेसबुक के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोनों AI आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक अलग ही भाषा में बात करने शुरू कर दी। वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब शब्द का यूज कर रहे थे जो हम इंसानों ने कभी किए ही नहीं, और वहाँ पर सभी लोगों को ऐसा लगा हो सकता है कि कोई गलती की वजह से किसी दूसरी लैंग्वेज में ये लोग बात करने लगे हों। लेकिन जब दोनों AI नॉन स्टॉप बात करते रहे तब फेसबुक ने उन्हें बंद कर दिया। और जब बाद में रिसर्च किया कि ये दोनों बोट आखिर किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि ये दोनों बोट एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो इंसानों ने बनाई ही नहीं थी। इसका मतलब उन दोनों AI बोट ने अपनी खुद की लैंग्वेज बना ली थी जिससे वो रोबोट से कम्युनिकेशन कर सके और इंसानों को कुछ पता भी ना चल सके। उस समय फेसबुक ने उन दोनों AI बोट को बंद करा दिया, और ये जो इंसिडेंट हुआ ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि AI कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो बस AI की शुरुआत है। तो आप ही सोचिए फ्यूचर में AI क्या क्या कर सकेगा, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज पर ही ये सब चीजें हो रही हैं, तो आगे चलकर क्या क्या हो सकता है। और ऐसे कोई एक दो घटना नहीं हुई है, ऐसे कई सारे घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अगर हम उनके बारे में बात करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। AI के बारे में और बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि AI का पार्ट 2 भी बनाया जाए तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।